और इस बीच बड़ी खबर ये कि सांसद नवनीत राणा की जमानत याचिका पर सुनवाई टल चुकी है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर की तरफ से वक्त मांगा गया था और संभावना जताई गई थी। टाइम्स ऑफ नवभारत ने आपको पहले इस बारे में जानकारी दी थी कि संभावना है कि आज सुनवाई टल जाए, और ये सुनवाई टल चुकी है। हमारे सहयोगी अरुणिल लगातार हमारे साथ बने हुए। अरुणिल, क्या वजहें पीछे रही है सुनवाई टलने की? अगर हम देखेंगे कि जो लीगल टेक्निकलिटीज का जो जाल है, उसमें जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, काफी सीनियर वकील है, वो यहाँ पर फंसाते नजर आ रहे थे नवनीत राणा और रवि राणा को। उन्होंने एक ही चीज बोली कि हम जो अपना रिप्लाई फाइल करेंगे वो 29 तारीख को फाइल करेंगे, और इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है अभी सेशंस कोर्ट के जज ने। तो 29 तारीख को ही इसकी सुनवाई होगी, तभी इसका एप्लीकेशन फाइल किया जाएगा पब्लिक प्रोसिक्यूटर द्वारा, जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट को, और उसी दिन इसके बारे में सुनवाई होगी। तो फिर 29 तारीख तक दोनों राणा कपल को जुडिशियल कस्टडी, मतलब जेल में ही रहना पड़ेगा। तो ये जो परेशानियां जो है वो बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि एक दूसरा एफआईआर भी है राणा कपल के अगेंस्ट, जिसके बारे में कल जो उन्होंने पिटीशन फाइल की थी कि जो वो एफआईआर उसको स्क्वॉश किया जाए, उसको भी डिसमिस किया गया था कोर्ट की तरफ से। तो दोनों एफआईआर अभी लागू होती है और 29 तारीख को इसके बारे में सुनवाई होगी। तो एक परेशानियां बढ़ती नजर दिखाई दे रही है राणा कपल के अगेंस्ट। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अरुणिल आपका अब तक जानकारी पहुंचाने के लिए। तो ये अरुणिल ने साफ जानकारी दी कि कानूनी पेचीदगियों का इस्तेमाल किया गया, और जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है उन्होंने जवाब दाखिल करने के लिए वक्त मांगा। हालांकि नवनीत राणा के जो वकील हैं उनकी तरफ से कहा गया कि पहले काफी वक्त दिया जा चुका है, आगे वक्त नहीं दिया जाना चाहिए, लेकिन कोर्ट ने पब्लिक प्रोसिक्यूटर का की दलील मांगी है, दलील मानी है, और ये साफ कर दिया कि 29 तारीख तक उनके पास वक्त है ये दलील दाखिल करने का। अरुणिल, यानी 29 तारीख तक तो कम से कम राणा दंपति जो है वो जेल के अंदर रहने वाला है। और ये सही बात है, 29 तारीख तक वो उन्हें जेल के अंदर ही रहना पड़ेगा, क्योंकि 29 तारीख को ही पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने ये बोला है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और उन्होंने अपनी स्टडी करके आए थे, होमवर्क करके आए थे ऐसा लग रहा है। और जो कानूनी पेचीदगियां होती है उसमें राणा कपल को फंसा दिया ये बोलते हुए कि अभी हम अपना एप्लीकेशन नहीं फाइल करना चाहते। जहाँ की रिजवान मर्चेंट की बात हो तो उन्होंने अपना एप्लीकेशन फाइल किया था सेशन कोर्ट में, बट पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने ये बोला कि हमें कुछ और देर चाहिए और टाइम चाहिए अपना एप्लीकेशन फाइल करने में, हम 29 तारीख को अपना एप्लीकेशन फाइल करना चाहते हैं, आप अगर चाहे तो उस दिन दलीलें रख सकते हो। कोर्ट ने इस बात को माना, तो फिर 29 तारीख तक राणा कपल को जेल में रहना पड़ेगा। अभी बड़ी डेवलपमेंट क्या महाराष्ट्र से अभी एक्सपेक्टेड है, वो है कि जो खार पुलिस स्टेशन पे, जहां से मैं अभी रिपोर्ट कर रहा हूं, यहां पे कुछ ही देर में किरीट सोमैया आने वाले हैं। किरीट सोमैया ने यह चार्ज लगाया है कि मुंबई पुलिस की जो ऑफिशियल है, खार पुलिस के जो ऑफिशियल है, उन्होंने एक कनाइवेंस, मतलब एक शिवसैनिक की तरफ काम करते हुए उनको यह बताया कि किरीट सोमैया यहां पे आने वाले, और फिर एक अटैक कराया गया किरीट सोमैया पे। उन्होंने अपने चिन से खून भी निकलते हुए वीडियो दिखाए, अपने गाड़ी के जो विंडोज है, जो शीशे है, वो भी टूटते हुए दिखाए अपने वीडियो में, और ये बोला कि शिव सैनिक्स को मुंबई पुलिस ने हेल्प किया, क्योंकि मुंबई पुलिस प्रेशर में है महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से। तो अभी किरीट सोमैया जो आने वाले हैं उस पर सबकी नजर रहेगी। जहां तक की कोर्ट की बात हो तो वहां पे पूरा मामला अप्रैल 29 तक टल गया है। बिल्कुल, इस पर भी नजर आप लगातार बनाए रखिएगा। अरुणिल, हम वापस आपके पास लौटेंगे जैसे ही किरीट सोमैया पहुंचते हैं खार पुलिस स्टेशन में, क्योंकि किरीट सोमैया की तरफ से भी मुंबई पुलिस पर ये गंभीर आरोप लगाए गए हैं। लेकिन फिलहाल अपडेट आपको दे रहे हैं सांसद नवनीत राणा और उनके पति विधायक रवि राणा को लेकर के, दोनों के ऊपर अलग अलग मामलों में मुकदमा दर्ज कराया गया, केस दर्ज कराया गया, जिसमें की सेडिशन की धारा भी लगाई गई। अब पांच अपडेट क्या बताते हैं आपको कि महाराष्ट्र में आज क्या होने वाला है। उद्धव से महाराष्ट्र के गृहमंत्री यानी कि दिलीप वल्से पाटिल जाकर के मिलने वाले हैं और आगे डिस्कशन होगा। इसके अलावा अपने ऊपर हुए हमले को लेकर के किरीट सोमैया बीजेपी के नेता एक एफआईआर दर्ज कराने वाले हैं खार पुलिस स्टेशन में। हमारे सहयोगी अरुणिल लगातार वहां से रिपोर्ट कर रहे हैं। राणा दंपति की जमानत अर्जी पर सुनवाई टल चुकी है, 29 तारीख को पब्लिक प्रोसिक्यूटर जवाब दाखिल करेंगे, यानी तब तक कम से कम राणा दंपति जेल के अंदर रहने वाला है। चौथी अपडेट यह कि राणा मामले में लोकसभा की प्रिविलेज कमेटी एक रिपोर्ट सौंपेगी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को। और पांचवी अपडेट इसी मामले को लेकर के ये कि राज ठाकरे की रैली से पहले औरंगाबाद में धारा 144 लगा दी गई है। इससे पहले ऑल पार्टी मीटिंग की बात भी कल की गई थी, इसमें कि
कोई पहुंचा नहीं था और वो बात संभव हो नहीं पाई थी। अनिल मुझे बताइए कि किरीट सुमेह की जो एफआईआर की बात चल रही है वो कितनी देर में वहां पहुंचने वाले हैं और ये एफआईआर को लेकर के उनका मुंबई पुलिस पर क्या आरोप है? वो उन्होंने जो वक्त दिया है वो 12 बजे तक यहाँ पे पहुंचने वाले ऐसे किरीट सुमैया ने बोला है। और अगर अभी खार पुलिस स्टेशन की बात हो तो काफी पुलिसकर्मी यहाँ पे तैनात थे। अगर देखोगे तो उस दिन के कंपेयर करेंगे तो आज बहुत पुलिसकर्मी यहाँ पे तैनात है, क्योंकि किरीट सुमैया का काफी सीधा आरोप है ये बोलते हुए कि जब मैंने खार पुलिस ऑफिसर्स को बताया था कि मैं यहाँ पे आने वाला हूँ, पहले भी मुझ पर अटैक हुआ है, पुणे में हुआ है, वाशिम में हुआ है, पुणे में मुझे अस्पताल में भर्ती भी होना पड़ा था संचित हॉस्पिटल में, क्योंकि शिव सैनिक्स ने मुझ अटैक किया था। और उस दिन का माहौल काफी गर्मा गर्मी वाला था, शिवसैनिक काफी गुस्से में थे और यहीं से कुछ दूरी पर जो राणा कपल रहते हैं उनके घर के बाहर एक अग्रेसिव प्रोटेस्ट कर रहे थे। फिर भी यहां पे ऐसा किरीट सुमैया का आरोप है ये बोलते हुए कि जो खार पुलिस के ऑफिसर्स है उन्होंने शिवसैनिक को मदद की, क्योंकि वो अंडर प्रेशर काम कर रहे हैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से, और वही शिवसैनिक ने फिर एक अटैक किया किरीट सुमैया के कार पे, उनकी कार के शीशे को तोड़ा और उनको भी यहां पे हानि पहुंची थी, इंजरी मार्क हुआ था और जहां पे खून भी निकल रहा था ऐसे दिखाई पड़ रहा था। किरीट सुमैया खुद भी एक बीजेपी का डेलीगेशन लेकर, जिसमें काफी बीजेपी के सीनियर नेता भी थे, एमएलए थे, जिनको लेकर दिल्ली गए थे, वहां पे होम सेक्रेटरी से मिले, यूनियन होम सेक्रेटरी से, और बताया कि बारंबार महाराष्ट्र में बीजेपी के नेताओं पे अटैक किया जा रहा है महाविकास आघाड़ी के कार्यकर्ताओं द्वारा और इसके अगेंस्ट कुछ तो करना चाहिए। तो अभी किरीट सुमैया खार पुलिस स्टेशन आने वाले हैं, कुछ देर में एक कंप्लेंट फाइल करने के लिए कार पुलिस ऑफिशियल्स के अगेंस्ट, क्योंकि उनका चार्ज सीधा मुंबई पुलिस पर है ये बोलते हुए कि मुंबई पुलिस ने शिव सैनिक को मदद की ताकि वो मुझे मार सके, मेरी गाड़ी पर अटैक कर सके। ये बड़ा आरोप है कि मुंबई पुलिस के ऊपर कि शिव सैनिकों की पुलिस मदद कर रही है अरुण, और साथ ही साथ ये कि जो 5 अलग अलग अपडेट महाराष्ट्र राजनीति में लगातार चल रहे हैं वो एक एक करके अपने दर्शकों को बता रहे हैं। और एक बार फिर बता देते हैं कि दर्शकों में आज की महाराष्ट्र की राजनीति में कितनी उतल पुथल आज होने वाली है। पहली अपडेट तो ये कि जो हमारे सहयोगी अनिल लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं खार पुलिस स्टेशन के बाहर से कि कुछ ही वक्त में बीजेपी नेता किरीट सुमैया वहां पहुंचेंगे अपनी रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए। और आरोप ये कि मुंबई पुलिस ने शिव सैनिकों की सहायता की उनके ऊपर हमले को लेकर के एफआईआर दर्ज कराएंगे। दूसरी बड़ी अपडेट ये कि राणा दंपत्ति की जो जमानत याचिका पर आज सुनवाई शुरू होने वाली थी वो सुनवाई अब टल गई है 29 तारीख तक के लिए। उसके पीछे की वजह जो कुछ वक्त पहले हमारे सहयोगी अनिल आपको अपडेट कर रहे थे कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे थे उनकी तरफ से कहा गया कि हम सक्षम नहीं है आज अपनी रिपोर्ट दाखिल करने में, रिप्लाई दाखिल करने में, 29 तारीख को यह रिपोर्ट दाखिल की जाएगी।